नमस्ते कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। फेब्रुआरी महीना 2023 टॉरस लग्न के लिए, वृषभ लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इसका हेडिंग लिखा है मैंने, बेस्ट अप टू 14 फेब्रुआरी फॉर जॉब एंड बिजनेस। मतलब अगर आप जॉबलेस है, वो सब प्रॉब्लम है, तो ये बेस्ट है। 22 जनवरी से 14 फरवरी तक लग्नेश आपके कर्मस्थान से जा रहा है, तो ये उम्मीदें बिखरेगा। कर्मस्थान में शनि ऑलरेडी है, ये योग कारक शनि है, लग्नेश कर्मेश की युति हुई है, यानी कि ये कोई बहुत बड़ा प्रपोजल भी जॉब में पार्टनरशिप से रिलेटेड या खुद की ताकत से, पार्टनरशिप एक बार मैं इग्नोर कर सकते हैं आप, लेकिन खुद की ताकत से आप आने वाले 2.5 साल में एक बहुत बड़ा एम्पायर की तरफ जा रहे हैं, ये बात कंफर्म है। और 15 फरवरी से लास्ट तक, यानी कि 15 फरवरी से 11 मार्च तक, ये आपको आपके लाभस्थान में शुक्र जाएगा। लग्नेश जब लाभस्थान में गया, यानी कि ये आपको लाभ देगा, आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है आपका 11 मार्च तक का। और कोई प्रॉपर्टी का मसला, बहुत बड़ा पैसा देकर जाएगा आपको 15 फरवरी से 11 मार्च, हो सकता है शेयर बाजार में बहुत बड़ा बेनिफिट मिले। बहुत टेम्पररी टाइमिंग, आपको बहुत बड़ा नाम नेम फेम भी मिल सकता है 15 फरवरी से 11 मार्च, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। देखिए, जो पहले काम है और बाद में नाम है, आपको इस महीने को आप समझने की कोशिश करो। 15 तारीख तक आप बहुत बड़े किसी काम के पीछे अपने आप को झुलस देंगे काम में। मंगल लग्न में आप एनर्जेटिक तो हुए ही, थोड़े झगड़ों से बच के रहिएगा, अपने टेम्पर को कंट्रोल रखिएगा। ये महीना अपडेट वाइज जाने की कोशिश करते हैं सीधी सीधी, ये बाद में ये डिटेल में डिस्क्राइब करता हूं। 30 जनवरी से लेके 1 फरवरी जो है, मतलब 30, 31 और 1 फरवरी, ये आपको कोई ना कोई बहुत बड़ा रिलीजियस ट्रेवलिंग दिला देगा। अगर उम्र बड़ी है तो आपके बच्चों के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम है। आपका माइंड 30 जनवरी से 1 फरवरी में एकदम रिलीजियस हुआ होगा, यानी कि धर्म की सोच आप करने लगे होंगे, कुछ न कुछ विचार धर्म के आपके हाथ से कार्य भी हो सकते हैं 30 जनवरी से 1 फरवरी में। मतलब 31 जनवरी और 1 फरवरी विल बी प्रूव्ड अ लकी फॉर यू। अब 2 फरवरी, 3 और 4 फरवरी, इफ यू आर ए जॉबलेस तो आपको जॉब मिल सकता है। 2, 3, 4, आई सेड दिस ओनली, ये बोर्ड पर लिखा है, ये कम्युनिटी सेक्टर में मैं डालूंगा, अभी सेक्शन में आप देख पाएंगे इसको। अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, डार्क नहीं है, कम शिकायत है आप लोग, तो वो दिखाई भी देता है, आप कम्युनिटी सेक्शन में देखिएगा, मेरी चैनल के अंदर जाकर आप देख सकेंगे इसको, थोड़ा आप जूम भी कर सकते हैं आप। 2, 3, 4 फरवरी आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, बहुत बड़ी मुलाकात होगी काम धंधे के लिए। अगर आपके हाथ में, अगर आपने तय किया है कोई डेट, अगर आपके हाथ में है, तो 2, 3, 4 फरवरी हो सकता है बहुत बड़ी मुलाकात भी ये करवा दे। 5, 6 और 7 फरवरी द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ आप एंजॉय करेंगे 5, 6, 7, बहुत बड़ा नाम भी होगा। आपका कैरियर का ग्राफ 30 जनवरी से 7 फरवरी तक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 5, 6, 7 में हो सकता है शेयर बाजार का कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिल सकता है 5, 6 और 7, तो ये भी मैंने यहीं लिखा होगा 5, 6, 7। देखिए, ये रहा शेयर मार्केट, 5, 6, 7 में शेयर मार्केट में बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, जुआ कभी किसी का नहीं हुआ, अगर आप ज्योतिष जैसे इस नोबेल विषय को, अगर ज्योतिष जैसे विषय को आप जुए में और इधर उधर लगाने की कोशिश करेंगे, ये सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। बट 5, 6, 7 आपके हाथ में पैसा, रोकड़ा की बात नहीं है, ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, 5, 6, 7 कोई प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलना चाहिए। और कोई दुश्मन का दुश्मन होगा वो भी आपको मदद करेगा 5, 6, 7 के दिन, कोई सियासती मामला आप उछालने की कोशिश करेंगे और आप बेनिफिट में रहेंगे। 8 और 9 फरवरी यू हैव टू बी केयरफुल, मैंने केयरफुल की ये डेट लिखी है, कैलेंडर पे रिमार्क कर दीजिएगा, इस तारीख में हो सके तो डिसीजन को टालिएगा। 8 और 9 फरवरी हो सकता है कि एक्सपेंसिव रहे, कोई फैशनेबल चीज के पीछे खर्च हो सकता है, कोई सुंदर चीज के पीछे खर्च हो सकता है, फिर वो औरत भी हो सकती है, फैशनेबल चीज भी हो सकती है, और वाइन जैसी चीज भी हो सकती है। 8 और 9 फरवरी विल बी द केयरफुल, आपको कोई ना कोई बेवकूफ भी बनाएगा, बोलेगा पार्टी दो, और आप दिल दरिया पार्टी दे भी देंगे। 8 और 9 फरवरी आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा, हो सके तो डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा। अब आगे चलते हैं 10, 11 और 12। 10, 11, 12 आप अपने आप से हैप्पी होंगे, दिस इज द टाइम टू बी स्पेंड फॉर योर सेल्फ। आप ऐसे भी आनंदी है ये तारीख में, 10, 11, 12 आपका आनंद की सीमाएं आपने पार कर दी होगी 10, 11, 12 को। इट इज अ वेरी वन ऑफ द बेस्ट डे टू रिवाइज योर सेल्फ, मतलब कहीं कुछ पास्ट में गलतियां की है तो क्या गलतियां की, आप 8, 9 तारीख को कैसे फंस गए, क्यों फंस गए, इसको आप स्टडी करेंगे 10, 11, 12 में और रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे।
13, 14, 15 इस महीने का सबसे बेस्ट दिन है, जो अगर आप बोलते हैं फिनेंशियल, देखिए पैसे के हिसाब से आपके पास बहुत बड़ा, अगर किसी से पैसा मांगते हो आप बिजनेस में, जनरली क्या होता है कि बिजनेस है या कोई काम है उसमें आपने किसी का काम किया हो, तो 13, 14, 15 आपको पैसा मांगने का टाइम है, आपको मिल भी जाएगा। हो सकता है आप, आपके परिवार पूरा एकत्रित हुआ होगा, आप परिवार के हीरो हुए होंगे, और ये सरस्वती का वरदान भी रहेगा 13, 14, 15 को, खाने पीने का, फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों तीन आप 13, 14, 15 को एंजॉय करेंगे। 16 और 17 तारीख कुछ डेयरिंग करेंगे, 16 और 17 को भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे 16 और 17 तारीख को। यह भी एक अच्छा दिन है। 18, 19 और 20 अभी देखिए आपकी मामा बहुत रुबाबदार है, 18, 19, 20 आप आपकी मामा के करीब जाने की कोशिश करेंगे, मन के अंदर एक शांति का अनुभव करेंगे। आपकी मैरिज लाइफ, मैंने बहुत बार देखा है कि आपके स्पाउस को बहुत शिकायत होती है कि आपकी मामा बहुत डोमिनेटिंग है, और इट इज अ फैक्ट कि आपकी मामा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। 18, 19, 20 को आप मां से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो बीबी कतई मंजूर नहीं करेगी आपकी, आपकी बीबी या आपका हस्बैंड, आपके मामा का जो चेहरा है बहुत रुबाबदार चेहरा है, बहुत उठना बैठना बहुत उनका शानदार है, और 18, 19, 20 आप आपकी मामा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, घर के अंदर शांति। और आपका स्पाउस अगर नौकरी धंधा करता हो, जैसे अगर आप टॉरस लेडी है, तो आपके हस्बैंड के लिए 18, 19, 20 बहुत काम धंधे के लिए बेस्ट साबित होगा, मतलब वो अर्ली घर पे आ सकेगा और आपके साथ एंजॉयमेंट, घर पे एक आनंद का वातावरण, एंजॉयमेंट तो एक समझो चीप शब्द बोल दिया मैंने, बट घर पे एक बड़ा वातावरण, प्रसन्नता का वातावरण होगा 18, 19 और 20 का। 21, 22, 23 बड़ा दोज हुआ प्लानिंग फॉर द चाइल्ड, ये टाइम है बेस्ट साबित होगा। 21, 22, 23 जैसे कि समझो अगर आप IVF/IVF का ट्रीटमेंट करवा के संतान को लेने की कोशिश कर रहे हैं, 21, 22, 23 इफ यू आर ए चाइल्डलेस पर्सन, मतलब बच्चे नहीं है आपको, देखिए ये जो साल है अप्रैल के पहले अगर आप अविवाहित है तो विवाह होना चाहिए, वो संभावना संपूर्ण संभावना है। 15 फरवरी से 11 मार्च में विवाह का ऑफर आपके डोर पे आएगा, उसमें भी मैं 21 फरवरी से 23 फरवरी ये 3-4 दिन के दौरान आपके लिए बच्चों के साथ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट रहेगा। शेयर बाजार के जो लोग खिलाड़ी है उनके लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी 21, 22, 23 बेस्ट रहेगा। 21, 22, 23 का एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा मैक्सिमम, जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए भी 21, 22, 23 बेस्ट रहेगा, मतलब आपका जो नेचर है एकदम लवमय हुआ होगा। 21, 22, 23 को आप बड़े कोई भी चीज को आप देखेंगे तो आप खुद भी सब महसूस कर पाएंगे, अगर आप जो मैं बोल रहा हूं वो आप अगर उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो 21, 22, 23 लकी भी रहे, मतलब विचारों में कोई नई आइडिया आपको क्लिक कर देगा और प्रेम से सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे आप 21, 22, 23। देखिए आपका जो पर्टिकुलरली 24, 25, 26 इट विल बी अ टाइम टू फाइट विद समवन, किसी से झगड़ा होने का टाइम, मंगल लग्न में है, नेगेटिव टाइम भी चल रहा है। 24, 25, 26 को आप आपका टेम्पर नहीं गवाइएगा, हो सकता है दोस्त पार्टी वार्टी मांगे तो दीजिएगा, हेल्थ के लिए 24, 25, 26 आपको केयरफुल रहना है, यू टू बी केयरफुल, 24, 25, 26 केयरफुल रहना है। हो सकता है किसी से पैसा मांगना पड़े, अगर आप लोन प्लान कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी की डेट हो 24, 25, 26 तो ये हो सकता है 24, 25, 26 का तारीख आपको थोड़ा स्ट्रेसफुल बीतेगा, बट अंतिम विजय आपका ही होगा, गुरु बहुत अच्छी पोजिशन में है। 24, 25, 26 विल बी द टाइम टू फाइट विद समवन, कि बिना वजह का अगर कोई मैटर है और वहां आप कूद पड़ोगे तो प्रॉब्लम होगा 24, 25, 26। अब 27 और 28 फरवरी है, ये आपके स्पाउस के साथ आनंद करने का टाइम है या तो उसको समझने का टाइम है। देखिए आपको मैं देखता हूं आप फ्लावरी है, यानी कि महकते पर्सन है, मेल हो या फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एकदम सेक्सी नहीं बोल सकते इसको, लेकिन बहुत आनंदी नेचर के, और आपका जो स्पाउस है वो काटने को दौड़ता है, यानी कि रिवेंजस है, आपकी मामा से आपका स्पाउस 101% परेशान होगा, 101%। अगर कोई भी अगर बोल दे कि मैं टॉरस हूं और मेरे स्पाउस की मामा से मैं परेशान नहीं हूं, तो ये बहुत रेयरली केस में हो सकता है। आपको 27 और 28 अपने स्पाउस को, स्पाउस के साथ टाइम स्पेयर कीजिएगा, दिस इज द 2 डेज यू कैन मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्पाउस। कभी कभी क्या होता है, देखिए ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, आपका गुरु सप्तम स्थान को देख रहा है, संतान स्थान को देख रहा है, मैंने बोला ऐसा, अगर आप चाइल्ड को प्लान कर रहे हैं IVF/IVF के जरिए
21, 22, 23 तारीख मिरेकल साबित हो सकता है। मिरेकल यानी कि इस साल अगर अगर आपको बच्चे नहीं है तो बच्चे होंगे। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ मैरिज तो इस साल आपको अप्रैल के पहले विवाह का भी मौका मिलेगा। और 27 और 28 फरवरी अगर आप अनमैरिड है तो जरूर लड़की देखने जाइएगा। मैंने इसमें विवाह में यहाँ यस लिखा है, बट यहाँ 27, 28 तारीख भी लिख सकते हो। ये देखने जाओगे या आपको कोई देखने आएगा 27, 28 कोई भी वार हो। देखिए हम लोग जो वार को देखकर नहीं चलते, बी रिमेंबर दिस, डे देख के नहीं देख सकते कि आज मंडे है, ट्यूसडे है, वेनसडे, इस तरह से इसको नहीं कर रहे हैं। इसको डेट कुछ कैलकुलेशन से डिराइव किया करते हैं। तो इसमें 27 और 28 तारीख संडे ना हो तो भी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट करिएगा 100%। आपको अविवाहित है तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अब डिटेल में मैंने बोला ऐसा 8 और 9 तारीख को आपको केयरफुल रहना है। मैंने बोला 8 और 9 तारीख को आप कोई रॉन्ग डिसीजन लेंगे उसकी वजह से ट्रबल में आएंगे। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी खड़ा कर दे आप 8 और 9 तारीख को, उसके पीछे भी पैसा वापर दे, कोई फैशनेबल चीज के पीछे पैसा वापर दे। 8 और 9 का डिसीजन हो सके तो पेंडिंग रखिएगा। 24, 25, 26 भी मैंने बोला ये तो थोड़ा झगड़े का टाइम है। अगर आपको पता है कि यहां जाने से विवाद खड़ा होगा तो नहीं करिएगा, क्योंकि मंगल ऑलरेडी लग्न में आप बहुत एग्रेसिव होंगे। आपको कभी कभी तो ये देखिए मंगल 13 नवंबर से 12 मार्च तक सप्तमेश मंगल है आपके लग्न में वृषभ राशि में, यानी कि आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि आपका स्पाउस डोमिनेशन करने की कोशिश कर रहा है आपके ऊपर। एक तो वो आपकी मामा से परेशान है, दूसरा आपका अभी एग्रेसिव नेचर भी हुआ है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हैं। तो ये 2 दिन को टालिएगा। किसी से पैसा मांगना है तो 13, 14, 15 को मांगिएगा। बहुत बड़ा अमाउंट या इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो में चेंजेस करना चाहते हैं 5, 6, 7 में कर सकते हो। शेयर बाजार का कोई बहुत बड़ा शेयर का कहीं से विड्रॉ करके कहीं और डिपॉजिट करने के चक्कर में हो तो 5, 6, 7 बेस्ट रहेगा। बिजनेस के लिए आई हैव सेड यस, आने वाला 2.5 साल में एम्पायर खड़ा कर देंगे आप। और ये महीना पर्टिकुलरली 22 जनवरी से 14 फरवरी में आपका प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा और नया काम भी शुरू होगा, ये संभावना है। और 2.5 साल में ये एम्पायर बना के देगा। शनि कर्मस्थान में आया मतलब ये एम्पायर रातों रात नहीं बनता, अब वो आपसे मेहनत करवाएगा। धीरे 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 आप एक किसी एम्पायर की तरफ जाते हुए अपने आप को देखेंगे। ये शश योग बना रहा है कर्मस्थान में आपका, पंच महापुरुष योग का एक शश योग बना रहा है और लग्नेश भी साथ में आया है। मतलब देखिए भाग्य का स्वामी कर्मस्थान में, वो भी एक राजयोग दिया, लग्न का स्वामी कर्मस्थान में, ये भी एक राजयोग हुआ। यानी कि ये महीना आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहने के लिए मैंने बोला 24, 25, 26। स्टूडेंट के लिए मैंने 21, 22, 23 बेस्ट बोला है। 21, 22, 23 स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, शेयर बाजार वालों के लिए बेस्ट है। कोई नई आइडिया क्लिक होगी, शेयर बाजार सब लोग बोल रहे हैं यहां पैसा इन्वेस्ट करो और आप कर रहे हैं वो, दैट इज द रॉन्ग। बट आपको आपकी ट्रेंड को पहचानना पड़ेगा। आपके सेकेंड हाउस में मिथुन राशि, यानी कि आपको जो कमीशन के बेस पर चलते हैं, आपको ज्यादातर मैंने जितने भी जेमिनी टॉरस देखे इनको देखिए, ज्यादातर मोर देन 1 सोर्स ऑफ इनकम होता है, एक सोर्स नहीं होता। ऑफिस होगा 2 होगा, बिजनेस होगा 2 होगा, बहुत सारा चीज आपका ड्यूअलिटी से होता है। आप एक से ज्यादा भाषा पर भी आपका बहुत जबरदस्त ग्रिप होता है। शुगरी भी बहुत पर्सन है आप, थोड़ा गुस्से वाला पर्सन आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। 13 नवंबर से 12 मार्च में आप झगड़ पड़ेंगे ये मंगल के कारण। गाय को गुड़ खिलाते रहिएगा 13 नवंबर से 12 मार्च में। आपका स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग करने के लिए भी मैंने बेस्ट बोला है आपको, उस डेट का इस्तेमाल करिएगा। जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए 8 और 22 ये दोनों बेस्ट, 22 मुझे ज्यादा बेस्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि 8 तारीख देखिए केयरफुल तारीख में भी है। तो 8 तारीख वाला दिन क्या करेगा आपका स्पाउस, जिसके आप कुछ प्यार करते हैं तो वो एक्सपेंसिव साबित होगा 8 तारीख का। बट 22 आपके लिए सोना बरसाएगा। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो गुरु की एस्पेक्ट भी है, 22 में चंद्र युति भी हुआ है आपके लिए, 11वां स्थान बहुत मजबूत हुआ है। और ये चंद्र शुक्र का युति आपके किसी दोस्त के साथ रोमांटिक टाइम बता रहा है 22 फरवरी, मोहब्बत करते हैं उनके लिए 8 और 22। विवाह के लिए आई सेड यस और उसमें भी 27, 28 को मैंने बेस्ट बोला है। 5, 6 और 7 तारीख भी बेस्ट बोला है। 5, 6, 7 को हो सकता है आपको टेम्पररी टाइमिंग बहुत बड़ा नेम फेम भी मिल जाएगा। शेयर मार्केट के लिए भी मैंने बेस्ट तारीख बताया 5, 6, 7। बहुत बड़ा आंकड़ा या पैसे का उलाढाल करेंगे, मतलब कुछ ऊपर नीचे होगा बहुत बड़ा बैलेंस में 5, 6 और 7 फरवरी। तो इन शॉर्ट देखिए 8 फरवरी से 23 फरवरी तक का जो टाइम है, हो सकता है उसमें आपका स्पाउस को
बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। आपके स्पाउस को सम्मान प्राप्त हो सकता है, आपका विवाह हो सकता है। 8 फरवरी से 23 फरवरी बेस्ट है, और उसमें ये तारीख में तो समझो मैं जो विवाह का डेट बोला आपको 27 और 28 ये बेस्ट रहेगा, 8 से 23 फरवरी बेस्ट है। तो इन शॉर्ट ये महीना आपको ये छोटे छोटे 3 और 2 5 दिन हो सके तो केयरफुल रहिएगा। ऐसे तो मैं नहीं मानता कि कहीं भी कुछ आपका बिगड़ जाएगा और बहुत बड़े एम्पायर की तरफ आप जा रहे हैं। पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मस्थान में शनि आया है। ये अभी आपको आपके सिंसियरिटी आपसे मांग रहा है, यानी कि देखिए ये आपको वाइन वुमनाइजिंग इससे दूर रहने का सिग्नल दे रहा है। अगर आप इस चीज को इग्नोर करते हो तो फिर आपको वो शनि कहीं और ही दुनिया में ले जाएगा। 12वां राहु है ये, देखिए 12वां राहु है ये, आप जिस भी धर्म को मानते हो, जो धर्म को आप मानते हो वो अपोजिट यानी कि कोई उस दूसरे धर्म का पर्सनालिटी हो सकता है कि वो आपके लिए समस्या बन सकता है 12वें राहु में। सो राहु 12वें स्थान में है तो विष्णु सहस्रनाम अमावस के दिन करके बेटे जल में नारियल बहाइएगा इस महीने में 20 फरवरी को, श्रद्धा से करिएगा। विष्णु सहस्रनाम करके बेटे जल में नारियल बहाइएगा अमावस के दिन एक दिन। अभी देखिए आपका विवाह लेट हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, इस साल विवाह होना चाहिए अप्रैल तक, संतान होना चाहिए, वो सब मैंने जो प्रेडिक्शन दिया आपको ये कुछ अच्छा न्यूज तो ये देगा ये महीना आपको। संकष्टि और ये विनायक चतुर्थी 9 फरवरी 23 फरवरी गणेश मंदिर में जाइएगा। आपको बहुत गुस्सा भी आता हुआ आप महसूस कर रहे हैं तो भी गणेश मंदिर में जाइएगा, हनुमान जी का मंदिर हो वहां भी जाएंगे तो भी चलेगा, हनुमान जी या गणेश मंदिर। पर्टिकुलरली अगर जो 9 और 23 फरवरी को जाते हैं तो गणेश मंदिर में जाइएगा, हनुमान जी का मंदिर में जाते हैं तो आप ट्यूजडे को जाइएगा, लाभदायक रहेगा। 2 फरवरी और 18 फरवरी ये शिव भक्त के लिए, 18 फरवरी महाशिवरात्रि भी है, टेक द एडवांटेज। रवि योग है 11 फरवरी को, रवि योग का भी लाभ ले सकते हैं बहुत। देखिए ये जो रवि, ये रवि पुष्यामृत नक्षत्र है, मतलब संडे और पुष्य नक्षत्र है 5 फरवरी को, तो ये आप अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं, ये सब मूर्त शास्त्र में इसका बड़ा अनुभव है, बड़ा एक्सपीरियंस इसके साथ जोड़ सकते हैं आप। तो ये रविवार को गुरु नक्षत्र हो तो, गुरुवार हो तो रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र होता है, गुरु पुष्य नक्षत्र। ये संडे इसके लिए पुष्य नक्षत्र और संडे है तो रवि पुष्य नक्षत्र। ये पुष्य नक्षत्र लंबे समय तक उस चीज को संभाल के रखता है, इसके लिए कोई अच्छी चीज का काम करना हो 5 फरवरी कर सकते हो, 11 फरवरी कर सकते हो। आपको मैंने केयरफुल रहने के लिए जो डेट बोला है उसमें केयरफुल रहिएगा, डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा। इन शॉर्ट इस महीने में बहुत बड़ी बिजनेस प्रपोजल और बहुत बड़ी हाथ में प्रॉपर्टी या सम्मान प्राप्ति, बहुत बड़ी सम्मान प्राप्ति, और आपके स्पाउस को भी सम्मान मिल रहा है, हो सकता है आप दोनों का सम्मान एक जगह पे हो सकता है, ये भी हो सकता है, और वो भी 23 फरवरी के पहले हो जाएगा, ये संभावना ज्यादा है। तो ये है लेखा जोखा आपका इस महीने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा, जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।